छाड़ी पलैल आमको छाड़ी पलैल हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। मेरा नाम राहुल कुमार फ्रॉम ताज सिटी ओडिशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके ब्लॉगर। अभी मेरे साथ असित है और अभी हम लोग हैं अनगुल फेमस मंदिर जगन्नाथ मंदिर के सामने खड़े हैं। और गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं वीडियो शूट के लिए। कहाँ पे जा रहे हैं? डेरजेंग डैम पर। और एक और बात, मेरा नया मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप पूरा रेडी हो गया है। और ये मैंने हेलमेट लिया है एक्जर का, एक्जर क्या होता है जो भी, तो इसका प्राइस मुझे गिरा टोटल 4.8K। और कैमरा तो आपको पता ही है, हीरो 8, जिसका प्राइस है 29K। और इसके साथ मैंने एक्स्ट्रा बैटरी लिया था 1700 के आसपास। और ये जो उलांजी का केस है ये वाला, इसका प्राइस वही 1700। और जो मैंने बोया का माइक लगाया इसका अंदर गया है, उसका प्राइस है 900 रुपये। और बाकी इसको अटैच करने के लिए ये जो माउंट है ये तो इसमें नहीं देता है, इसको मैंने एक्स्ट्रा लिया था। तो मैंने टोटल बहुत सारा माउंट्स लिया है, जिसका प्राइस मुझे गिरा वही 1200 के आसपास। और क्या, और हाँ दिखा इसका, और बाकी बचा इसका जो अडाप्टर, मेन अडाप्टर जो माइक के लिए यहाँ पे लगा है। अरे सीधा पकड़। तो उसका प्राइस है 4000। तो मैंने इसको ऑफलाइन लिया था, ऑनलाइन में तो इसका प्राइस ज़्यादा आता है। तो टोटल मुझे इसका कॉस्ट गिर गया वही टोटल 43-44K के आसपास। मतलब टोटल बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गया है। और इसका माइक कहाँ लगा है? माइक अंदर लगा है। तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छा करना है, इसीलिए सब कुछ मैंने किया। और दोस्तों एक और बात, मैंने राइडिंग के लिए नया ग्लोव्स लिया है, इसको थोड़ा घुसा दे। हो गया, तो ये रेडी। तो ये इस ग्लोव्स का फ़ायदा ये है कि मैं ये जो व्हाइट दिख रहा है इसके सहारे मैं अपना फ़ोन का स्क्रीन को टच भी कर सकता हूँ। मतलब ग्लोव्स पहन के भी स्क्रीन टच काम करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सैंकी चांदनी अर्चू ये लोग आएंगे उस दिशा से। तो हम लोग कर रहे हैं बस थोड़ा सा इंतज़ार, और उनके आने के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से डेरजेंग डैम। दोस्तों अभी हम लोग कर रहे थे इंतज़ार, लेकिन सांकी वो लोग उस तरफ से चले गए। मैंने उनको बोला कि जगन्नाथ मंदिर आने के लिए एक साथ जाएंगे, लेकिन वो लोग उस तरफ से चले गए। चलो गाइस रेडी। ये रहा हमारा जगन्नाथ मंदिर अनगुल का। यहाँ पे भी आऊँगा एक दिन मैं ब्लॉग बनाने के लिए, स्पेशल ब्लॉग बनेगा, ठीक है। मैं भी आऊँगा। तू भी आएगा? ठीक है चलो। दोस्तों अभी होप कि सब कुछ, मतलब वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी सब कुछ अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि मतलब मेरा जो सामने का जो वेट है हेलमेट का, वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मतलब गोप्रो केस और अडाप्टर, तो थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी ये लोग कहाँ पे है, ये लोग शायद चले गए हैं पूरा आगे तरफ। ये देखो आज कैसे चला रहे। दोस्तों आज मैं अपने फ़ोन का गैलरी स्वाइप अप कर रहा था, तो हमारा जो फर्स्ट ब्लॉग है वो मुझे दिख गया। मतलब वो 2017 का टाइम था, और वो ब्लॉग भी मतलब पूरा नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा ही मैंने किया था। और वो है जब हम लोग गए थे दिलों का शूटर मेल वर्सन शूट करने के लिए, जो गाना सांकी ने गाया था। तो बस थोड़ा सा ही क्लिप है, आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए दिलों का शूटर हो गया। सॉरी दोस्तों, आज हम जा रहे हैं शूट करें, लेकिन पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए थोड़ा खींचना पड़ रहा है। पीछे वाला अभी गिरने वाला था, बाल बाल बच्चे। मेरा नाम मुन है माइकल। शूटर की पेट्रोल खत्म हो गई है और हम लोग खींच रहे हैं। उम्मीद है आगे भी खींचते रहेंगे, और खींचा खाची में हमारा जिंदगी चल रहा है। तो कैसा लगा? शुरुआत में हम लोगों ने ऐसा स्टार्टिंग किया था, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या कैसे करना है ब्लॉग, तो और मैंने और नहीं किया। एंड थैंक्स गॉड कि वो वाला क्लिप मैंने डिलीट नहीं किया था, तो आज मैंने आपको दिखा दिया वाला क्लिप। तो चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और
रास्ता काफी जाम होगा इधर। ये जो रास्ता ना, इधर से आप संबलपुर होकर पूरा मुंबई जा सकते हो, और ये कितना कतरा कतरा रास्ता है। छाड़ी की पड़ाई ना बाबू, छाड़ी की पड़ाई ना, छाड़ी की पड़ाई ना नहीं हो तो भी आ रहा पीछे पीछे, हम लोग चले गए आगे आगे। तो ये जो सड़क है इसका काम अभी भी चल रहा है, मतलब यहाँ तक हो गया, लेकिन और भी आगे तक होना बाकी है। और ये पूरा संबलपुर तक पूरा हो रहा है मैच, एंड होप कि जल्दी काम खत्म हो जाए और हमें अच्छे सड़कों पर ट्रैवलिंग करने का जो आनंद होता है वो हम ले पाए। तो हमें थोड़ा आगे जाकर यहाँ से राइट जाना है। हम लोग फाइनली पहुंच गए यहाँ पे। ये रहा डरजंग डैम, और ये डैम अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था यहाँ पर एक स्पेशल ब्लॉग करने के लिए, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज इस वीडियो शूट के माध्यम से हमें समय मिल गया और ये ब्लॉग भी हो रहा है। और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया था 2015 को, 2015 जनवरी या फिर 2014 दिसंबर लास्ट वीक, मुझे ठीक से थोड़ा याद नहीं है, लेकिन वैसे बहुत बार आ चुका हूँ, 6 साल बार आ चुका हूँ। और हमने तो यहाँ पे एक दो वीडियो भी शूट किया था, वो सेल्फी मैंने ले ली आज, और क्या मुझे थोड़ा याद नहीं, लेकिन फोटो शूट कर मुझे wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic, go! I was built to last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving, got my foot on gas, never stop. नहीं मैंने आवाज़ दबी जाओ जी। अभी थोड़ा सा शूट हो गया है और थोड़ा शूट होना बाकी है, तो अभी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और शाम होने को है, अंधेरा भी होने वाला है। ये देखिए मिल गया। सो गाइज शूट हो गया ख़त्म और काफ़ी अंधेरा हो गया है और अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। हेलो बाय। तो हमारा बाइक है उस तरफ। अभी हमें थोड़ा सा भूख लग गया है, कुछ यहाँ पे टिफिन उफिन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा घर चलेंगे। कचरा से कचरा नहीं करने का। ओके दोस्तों, अभी मैं घर पहुंच गया हूँ और अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30। एंड आजकल इतना ही फुटेज था वो सब कुछ मैं अभी लैपटॉप में डाल के चेक कर रहा था, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मतलब मैंने माइक को पूरा मुंह के सामने सेट किया था तो वॉइस काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो अभी थोड़ा इसको साइज कर लूँगा, सेट कर लूँगा मैं। और बाकी आज के लिए बस इतना ही, और मिलता हूँ फिर आपको नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है आरके ब्लॉगर, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और कुछ DM करना तो वो भी कीजिए, ठीक है? तो चलिए बाय बाय।